Hi guys, welcome to my channel That Girl Girl and this is Shruti. So, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, you are most welcome and a big hi to all my lovely friends and family. So, आज का वीडियो है एक टेस्टिंग एंड रिव्यू वीडियो. So, I am going to be testing this Kalabaz newly launched 24 hours weightless liquid foundation. So, उन्होंने एक नया जस्ट लॉन्च किया है ये एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. सो जस्ट वेंट अहेड एंड बॉट इट. सो दिस रिटेल्स फॉर ₹995 एंड लाइक इसके क्लेम्स तो काफ़ी बड़े हैं एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू टेस्ट इट. एंड इसे मैंने टेस्ट किया है लाइक अराउंड 15 to 16 आवर्स मैंने इसे वेयर किया एंड आई टेस्टेड कि ये वर्क करता है या नहीं. मैंने जो अज्यूम किया था ये उतना खरा उतरता है या नहीं. सो मैंने तीन पैरामीटर्स में इसे टेस्ट किया है. सो ऑफकोर्स द फर्स्ट पॉइंट वुड बी कवरेज. सो हर फाउंडेशन का हम कवरेज पहले देखते हैं कि कितना कवरेज देता है. सो इनका क्लेम था कि ये मीडियम टू फुल कवरेज देता है, लाइक बिल्डेबल फुल कवरेज देता है. इसे हम बिल्ड कर सकते हैं. एंड सेकेंड ऑफकोर्स इनके नाम के हिसाब से कि ये 24 आवर्स फाउंडेशन है. ऑफकोर्स मैं 24 आवर्स तो नहीं इसे टेस्ट कर सकती, बट मैंने ऑफकोर्स 15 to 16 आवर्स मैंने इसे वेयर किया था. एंड या एंड द थर्ड पॉइंट वुड बी हाइड्रेशन. ऑफकोर्स वी डोंट वॉन्ट एनी ब्रेकआउट और एनी ड्राइनेस इन आर स्किन, तो मैंने वो टेस्ट किया. सो इन तीन पैरामीटर्स पे इस फाउंडेशन को मैंने टेस्ट किया एंड आई विल बी रिव्यूइंग. सो मैं उस पूरे क्लिप को इंसर्ट कर दूंगी. एंड या मेरी जो शेड है वो है FC 2.2. बट फर्स्ट थिंग, कूडोज टू कलाबार फॉर ब्रिंगिंग आउट 30 डिफरेंट शेड्स. सो कलाबार हैज़ इंट्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट इन 30 डिफरेंट शेड्स एंड दैट्स रियली थॉटफुल ऑफ देम. कूडोज टू देम फॉर दिस थिंग. सो ये ऑफकोर्स उनके प्रोज में जाता है. तो या आप उनके वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं या nykaa.com पे कर सकते हैं. मैंने ये जो है उनके कलाबार के वेबसाइट से ख़रीदी है एंड कुछ और चीज़ें भी खरीदी थी. एंड इट कम्स इन अ वेरी क्लासी बॉक्स या वेरी वेरी ब्यूटिफुल पैकेजिंग या एंड इसका जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छा है. तो पैकेजिंग मैं आपको अभी दिखा देती हूँ एंड देन रिव्यू की तरफ जाएंगे. सो इट कम्स इन दिस शाइनी ब्राउन कलर्ड पैकेज एंड ये मतलब नॉर्मल पैकेजिंग है एंड इसमें लिखा है बी हु यू आर, यहाँ पे लिखा है. इसमें जब हम लिखें तो ये एक प्योर प्रोडक्ट है. सो नाउ दी प्रोज आर कि ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है. लाइक इसे सीधा अपने बैग में डाल दें एंड यू आर गुड टू गो. ग्लास बॉटल एंड ऑल में आता है तो वो डर लगता है कहीं मतलब यू नो टूट ना जाए. सो दिस इज़ वेरी हैंडी. दिस इज़ ऑल्सो यू नो ग्लॉसी ब्राउन कलर का ट्यूब एंड इसे हम ऐसे ओपन करेंगे तो ये एक पम्प डिस्पेंसर की तरह आता है. सो इसमें पम्प डिस्पेंसर लगा हुआ है, इसे हम जस्ट पम्प आउट कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो. सो वेरी हाइजीनिक ऑल्सो. बीबी क्रीम्स एंड ऑल कैसे वो नॉर्मल ट्यूब में आता है तो निकलता है फिर सब जगह लग जाता है, बट दिस इज़ अ ट्यूब फॉर्म सो इट्स अ गुड वन. सो ₹995 दिया, ऑफकोर्स कुछ तो उन्हें देना था. सो दिस इज इट, दिस इज द पैकेजिंग. सो लेट्स टेस्ट वेदर यू नो इसके जो क्लेम्स है वो फुलफिल होते हैं या नहीं. सो लेट्स first see the clip and then to the review. So guys, आज मैं टेस्ट करने वाली हूँ कलाबार का जो फाउंडेशन है वो. मुझे अभी बाहर जाना है, मेरे ऑफिस जाना है कुछ काम के लिए. सो आई विल बी टेस्टिंग दिस कलाबार न्यूली कलाबार न्यूली लॉन्च्ड फाउंडेशन ऑल्सो. सो लेट्स अप्लाई दिस. बट आई थिंक मुझे कंसीलर भी यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज मेरा जो डार्क सर्कल्स है यू कैन सी एंड आई डोंट थिंक ये उतना कवर देगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था अपने हाथ पे. सो लेट्स फर्स्ट यूज़ द करेक्टर देन द कंसीलर एंड देन द फाउंडेशन. या मोस्टली मेरा यही सीरीज होता है. लेट्स सी, या तो करेक्टर के बाद मैं फाउंडेशन लगाऊंगी एंड देन द कंसीलर. आई थिंक यही ऑप्शन बेस्ट होगा सो दैट हम देख सकें करेक्टर के बाद भी कितना कंसील करता है फाउंडेशन. सो लेट्स गो. तो मैंने शुगर का जो है जो स्टिक वाला जो उनका रेंज है फेस फॉरवर्ड उसका मैंने करेक्टर यूज़ किया है. पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं. तो मैंने रेड कलर का करेक्टर यूज़ किया है एंड देन आई हैव जस्ट डॉटेड
the foundation. So इस blender से damp blender से इसे blend करूँगी. Let's see कि ये कितना ज़्यादा. So मैंने concealer लगा के इसे powder से भी set कर दिया है. अब पता नहीं इतना ज़्यादा मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये, बट हाँ मैंने लगा लिया है फाउंडेशन. नाउ आई विल बी टेस्टिंग इसका हाइड्रेशन पावर एंड एंड इसका स्टे कितना देर स्टे करता है मेरे फेस पर. ओके देन मैं रेडी हो जाती हूँ, नहीं तो ऐसे ही टाइम निकल जाएगा. चलो बाय गाइस, आई एम ऑल रेडी गाइज. सो आई एम बैक इन माई रूम गाइज, एंड एज यू कैन सी मेकअप तो काफ़ी ज़्यादा फेड हो गया है. एंड सिंस हम आज फाउंडेशन देख रहे हैं तो यू कैन सी यहाँ के एरिया तो काफ़ी ज़्यादा फेड हो चुकी है एंड मेरे ब्लैक स्पॉट्स भी थोड़े थोड़े दिख रहे हैं. बट अभी कुछ और आज बाकी है. मैंने अराउंड आई थिंक 8:30 या 9 के अराउंड लगाया था एंड इट्स करेंटली 7 PM. कुछ और आज रखूँगी एंड देन विल गिव द फाइनल रिव्यू. सो आई विल जस्ट लेट यू नो कि मुझे कैसा फील हुआ एंड ऑल दैट. अभी तक मुझे कुछ ड्राइनेस या फ्लेकी फील नहीं हुआ है, इट्स जस्ट कि इसका मेन पर्पज़ ही चला गया है. तो ये है अभी करंट अपडेट. सो विल कीप यू गाइज पोस्टेड अबाउट इट. आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो. सो हाई गाइज, सो इट्स ऑलरेडी 10 PM एंड काफ़ी थक गई हूँ, बट यू कैन सी काजल एंड ऑल्सो सब निकल रहा है. आई थिंक फाउंडेशन भी ऑलमोस्ट वेयर आउट हो चुका है. सी द थिंग इज कि कोई भी फाउंडेशन 24 आवर्स आई डोंट थिंक टिकता होगा एंड इतने टाइम तक तो कोई भी फाउंडेशन नहीं टिकता होगा. बट सैमसंग के क्लेम्स है कि 24 आवर्स टिकता है, तो आई थिंक डिसेंट ही है. फेड आउट हो चुका है बट है मेरे स्किन पे अभी भी. लाइक इफ मुझे लगता है कि जब मैं अगर मेकअप रिमूव करूँगी ना तो शायद उसमें रहेगा, क्योंकि आई थिंक वो है जस्ट थोड़ा थोड़ा सा यू नो सब जगह से फेड हुआ है. या इट्स प्रीटी मच दैट. तो मिलते हैं रिव्यू में. सो देखा आपने, मैंने इसे टेस्ट किया, पूरे दिन मैंने इसे पहन के रखा था सो दैट कि मैं रिव्यू दे सकूं. सो फर्स्ट थिंग इज़ कवरेज. सो जब मैं इसे अप्लाई कर रही थी मुझे तभी ही मतलब उसकी कवरेज इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई. मतलब मुझे आई थिंक 2 या 3 बार मुझे कवर करना पड़ा, क्योंकि मुझे थोड़ा डार्क सर्कल्स, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स है मुझे. एंड आई लाइक इट व्हेन माय फाउंडेशन डज द वर्क ऑफ यू नो कवरिंग एवरीथिंग. ऑफकोर्स मैंने कंसीलर भी लगाया, फिर भी इसने मुझे उतना कवरेज नहीं दिया जितना देना चाहिए था. इट वर्क जस्ट लाइक अ बीबी क्रीम. सो मतलब वो मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे इससे कि इसने मुझे उतना अच्छा कवरेज नहीं दिया, क्योंकि एक नॉर्मल बीबी क्रीम जो 175 रुपीस में आता है वो भी सेम काम कर रहा था जो ये 995 रुपीस के ट्यूब ने इसने किया. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट. सेकेंड थिंग वॉज दी 24 आवर्स का स्टे. सो मैंने 15 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली इसे वेयर किया एंड आई थिंक जब 8 to 9 hours होने लगे तब ये थोड़ा फेड होने लगा था. मुझे थोड़ा ऑयलीनेस थोड़ा फील होने लगा मेरे स्किन में. सो दैट्स दैट. बट ये रहा, मतलब जब मैं इसे रिमूव कर रही थी अपने स्किन अपने फेस से तो ये निकल रहा था. इट मीन्स इट वॉज देयर ऑन माई फेस, इट वॉज जस्ट यू नो फेडिंग, फेड हो गया था ये. सो पूरी तरह से तो पता नहीं, अब 15 आवर्स तक नहीं चला, 24 आवर्स तक आई डोंट नो ये कैसे चलेगा. सो दैट्स दैट. और जब मैं बाहर गई थी वो भी मैं इतने देर के लिए नहीं गई थी कि बहुत ज़्यादा मतलब वेयर आउट हो जाना चाहिए इसे, तो 3 to 4 hours के लिए मैं गई थी एंड देन फिर मैं घर पे ही थी, बट स्टिल ये फेड आउट हुआ. सो दैट्स दैट. थर्ड थिंग इज़ हाइड्रेशन. सो इसने मुझे ब्रेकआउट तो नहीं दिया, मतलब मुझे ड्राइनेस फील नहीं हुआ स्किन पे, सो दैट्स अ गुड थिंग. कि बट द थिंग इज़ कि बीबी क्रीम भी सेम चीज़ करता है मेरे लिए जो इसने किया. सो
उतना एक्सेप्शनल प्रोडक्ट नहीं है ये. अगर मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब क्योंकि इतने प्राइस के लिए आई डोंट रिकमेंड यू टू बाय दिस, बट स्टिल अगर आपको ट्राई करना हो तो मैं लिंक दे दूँगी. बट या इट वॉज नॉट एन एक्सेप्शनल प्रोडक्ट फ्रॉम कलाबार. आई एम रियली सॉरी. कलाबार के मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट इसने मुझे इम्प्रेस नहीं किया. आई एम रियली सॉरी गाइज, बट या दिस वॉज नॉट द थिंग फॉर मी. बट या ऑफकोर्स इसे यूज़ करके ख़त्म करना है. ऑल्सो मैंने मैक के फाउंडेशन को टेस्ट किया था. ऑफकोर्स मैंने उसे ज़्यादा देर तक नहीं पहन के किया था, मैंने जस्ट कवरेज कैमरा पे टेस्ट किया था. आई जस्ट लिंक इट ऑन द आई बटन, आप देख सकते हैं उस वीडियो को. सो उसकी जो कवरेज थी वो वाह भाई वाह यार, बहुत सही थी. मतलब बहुत अच्छा लगा था. मुझे पता नहीं क्यों इससे भी उतना ही एक्सपेक्टेशन था, बट कोई नहीं. सो या सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑन दिस फाउंडेशन. अगर आपको ख़रीदना है तो मैं लिंक दे देती हूँ, आप ले सकते हैं. अदरवाइज अ नॉर्मल बीबी क्रीम विल डू द सेम वर्क फॉर यू. सो आई एम जस्ट हेल्पिंग यू सेव योर मनी. सो या दिस वॉज इट गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू कमेंट योर व्यूज़. आपके व्यूज़ मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं. एंड अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज, टेक केयर, आई लव यू.